भाई इसमें से आपका फेवरेट कौन सा कार्ड है ये बताओ। मैच तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, इनमें से आपका फेवरेट कौन सा वाला है कमेंट करके लाजमी आप बताइए हमें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ बहुत आप लोग ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज यार हम लोग स्टेडियम जा रहे हैं मैच देखने के लिए फुटबॉल का, जो आज ईरान और हांगकांग चाइना का मैच है। तो आप इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं, ये हमें ड्रॉप कर रहे हैं स्टेडियम के पास। और इलियास भाई कैसे हो आप, ठीक ठाक हो, खैरियत है, क्या चल रहा है आज कल यार? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, जय सब खैर खैरत से। इंशाल्लाह दोस्त ने कॉल किया, बोलते हैं कि मैच देखने के लिए जा रहे हैं, हमको ड्रॉप कर दो। तो मैं आ गया इंशाल्लाह इनको ड्रॉप करने के लिए, मैच देखने के लिए। और सब खैर खैरत है, नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है यार, अच्छा टाइम गुजर रहा है कतर के अंदर। तो भाई ये सारा सीन है, तो अब हम स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं मैच देखने के लिए। तो आज हमारे दिन हर चीज़ वाला हमारे लिए फ्री है, क्योंकि हमारे पास टिकट है। तो आगे आगे हमारे साथ रहिए और देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये गाड़ी है हमारी, और इस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं ये भाई के साथ। ये हमारा भाई हमें ड्रॉप कर रहा है। और ये सामने जो है स्टेडियम टॉस टावर, जो हमने आपको लास्ट फ्राइडे बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं। और इसके साथ जो ये स्टेडियम है, अबे ये नहीं भाई, वो पीछे वाला वो तो लड़की है यार, वो पीछे वाला वो स्टेडियम है, वो टॉस टावर है। और ये अभी हम सिग्नल पे वेट कर रहे हैं, ये सारा सीन है। तो हमारे साथ रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। इसको देखो भाई क्या कर रहे हैं। जी भाई क्या कर रहे हो? भाई देखो फ्लैग लेकर आए हो, सपोर्ट करने के लिए फलस्तीन को। कौन सा फ्लैग है? ओह माय गॉड, कतर को भी सपोर्ट करो साथ साथ तुम यार, साथ साथ तुम यहाँ रह रहे हैं ना, तो ऐसी बात है, कतर और फलस्तीन। चलो फिर मैच देखने वाले हैं, स्टेडियम जाने वाले हैं, और देखते हैं क्या सीन है आज का। चल आ जाओ भाई, मेट्रो फ्री थी, सोचा है कि मेट्रो में थोड़ा घूम लेते हैं आज। जैसे कि आप जानते हो एशिया कप चल रहा है कतर के अंदर, जिसकी वजह से कतर को पूरा सजाया हुआ है फ्लैग से। इधर रेसलिंग होती है भाई, इधर तो रेसलिंग होती है क्या? मालूम नहीं यहाँ यार रेसलिंग होती है, रेसलिंग अगर होती है चैंपियनशिप जो होती है ना वो। ये सारा सीन है, एवरे मुशरफ में घूम रहे हैं हम लोग अभी भाई। ये मार्केट है, इधर जो है सारे फ्लैग्स लगे हैं, और इधर सारा मार्केट है, जो पुराना सामान वगैरह, पुराना सामान नहीं मतलब कि जो भी आपको ग्रोसरी का सामान चाहिए या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है। ये रेस्टोरेंट बना है, कतर की यहाँ ही है, कतर की सकाफत यहाँ पे है। अच्छा एक सकाफत सामने खड़ी हुई है। ये सारा सीन है, ये फ्लैग तो वही है जो काफ़ी पहले मैंने आपको दिखाया था, आज भी यहाँ वहीं पर लगा हुआ है। सबसे कीमती चीज़ एक यहाँ पे ये भी है कि इन्होंने एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पे इंसान सॉरी जानवर परिंदे जो इधर बैठ सकते हैं आके। और ये सामने ओल्ड और पीछे से मंजर देखो कितना प्यारा लग रहा है, बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं इधर। और ये इन्होंने घोड़ा गाड़ी बनाई, मगर घोड़ा जो है वो भागा हुआ है। भाई ये हम लोग इधर आए हैं, और इधर पानी का प्रेशर आता है तो ऐसे ही मतलब इन्होंने बनाया हुआ है, ये देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बंदी को तो आप जानते ही हो, और ये देखो अभी सामने स्टेडियम है, इधर हम तुम जाने वाले हैं बहुत जल्दी जल्दी, अभी हम पार्किंग एरिया में हैं। और ये तो आपको बताया, ये पाइप के अंदर से निकल के सीधे इंसान बिल्डिंग में पहुंच सकता है, और ये स्टेडियम है। और ये देखो इतनी ज़बरदस्त कार खड़ी है इधर, ये सारी चीज़ें हैं। और मेरे दोस्त बहुत बिजी है, मसरूफ है, मैसेज कर रहा है, पता नहीं किस किस को दिखा भाई, किसको मैसेज कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये सब लोग अभी स्टेडियम की तरफ मैच देखने जा रहे हैं, और ये दीवाना हो गया, पागल हो गया दीवाना, ये सारा सीन है। ये देखो ये भी हम लोग स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं देखने मैच, और आप देख सकते हो कितना सारा क्राउड है इधर। तो खैर कुछ भी नहीं है, हमारे पीछे बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है, देखो ये सारा सीन है आज। और ये तो हमारा टिकट है, टिकट है। तो चलना आगे जल्दी जल्दी चलो भाई, ट्रैफिक ज़्यादा है पीछे भाई, आगे और पीछे जहाँ गाड़ी रुकेगी टक्कर हो जाएगी।
भाई ये सारे सर्कल बना हुआ है, इधर से घूम के हम लोग को अंदर जाना है और जहाँ रुकोगे वहाँ आपको एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बचो ना बचो उसके अंदर। तो कैसे हो आप लोग, मजे में होंगे? तो अभी और मजा आने वाला है, स्टेडियम में जाके आपको दिखाते हैं। भाई ये स्टेडियम के अंदर का नजारा है, पूरा मोए मोए वाला सीन चल रहा है। कहाँ चल रहा है? मोए 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 मोए। देखो कितना ऊपर स्टेडियम है यार, कितना ऊपर हम लोग को जाना पड़ेगा चल के। या मोए मोए करेंगे। इधर से हम पूरा अंदर जाएंगे चलते हुए और ये देखो लंबी कितनी लंबी लाइन चल रही है, पूरा खतरनाक सीन चल रहा है यार, इंसान बोर हो जाएगा चल चल के, थक जाएगा। सारे लोग आए हुए यार मैच देखने के लिए, ये तो अभी एक नंबर गेट बता रहा हूँ, अभी और भी बहुत सारे लोग हैं भाई। इधर तो हालत ही ख़राब हो गया है, ये देखो आप चेकिंग वेकिंग चल रही है, हालत ही ख़राब हो गई है, इधर पाँव रखने का भी जगह नहीं है, हर की तरफ हर तरफ आदमी ही आदमी है भाई। चला जा, क्या बोल रहे थे तुम यार? मोए मोए। ये क्या होता है? सारे लोग हैं यार, ये दूसरा लोकेशन पे आया, इधर पाँव रखने का भी जगह नहीं है भाई, इधर पाँव रखने का भी जगह नहीं है। देखो लाइन से चल रहा हर बंदा, टिकट चेक करवाते करवाते, मगर बहुत सारा लोग है यार, हम तो इधर से अभी ऊपर जा रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, ये दिन में अलग मतलब ये व्यू नज़र आता है और रात में व्यू बिल्कुल अलग है। 2022 ये बिल्डिंग बनाई है, इसके अंदर ऑफिस वगैरह कुछ बना हुआ है, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ है। ये देखो अभी मुझे अच्छा लगा तो सोचा मैं आपको बताता हूँ मैं यार, एशिया। आज जो है हांगकांग चाइना और ईरान का मैच है, तो यार देख सकते हो स्टेडियम के अंदर के मनाते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितने सारे मतलब लोग आए हैं। इधर तो खैर हम टाइम से आ गए, ना तो उधर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। ये देख सकते हो आप कितना अच्छा फंक्शन हो रहा है, कितना अच्छा मतलब के व्यू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ आप लोग के लिए शूट करता हूँ दिखाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और ताकि मैं आपको ऐसी वीडियोज़ दिखाता रहूँ। ईरान और हांगकांग का, ईरान और हांगकांग का। भाई आप देख सकते हो मैच चल रहा है, ये वाइट वाली जो टीम है ये ईरान की और जो रेड वाली है आप देख सकते हो ये हांगकांग की है। बहुत ज़बरदस्त मैच चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है, तो सिर्फ आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि इसी तरह मैं आपको वीडियो दिखाता रहूँ और आपको इंजॉय करवाता रहूँ। तो भाई देखो अभी पूरी टीम जो है मतलब रेस्ट करने चले गई है, तो मे बी 15-20 मिनट का रेस्ट है और ये पानी डल रहा है ग्राउंड के अंदर, उसके बाद क्लीनिंग टीम आई है जो क्लीन कर रही है ग्राउंड को। भाई बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक चल रहा है इधर, मगर मुझे वॉइस को बंद करना पड़ा, उसकी वजह ये है क्योंकि अगर मैं वॉइस बंद नहीं करता तो कॉपीराइट आ सकता था मेरे चैनल के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे वीडियो दोबारा से मेहनत करके एडिट करना पड़ती। तो आप देख सकते हो पूरी लाइटें वाइटें ऑफ हो गई हैं और जिसकी वजह से पूरे लोगों ने मोबाइल की लाइट ऑन करके पूरा ज़बरदस्त म्यूज़िक सिस्टम चलाया हुआ है, मज़ा आ रहा है।
अभी भी रेस्ट चल रहा है, टीम जो है रेस्ट के लिए गई थी और मैं स्टेडियम के अंदर हूँ, आपको दिखा रहा हूँ पूरा कितना ज़बरदस्त मतलब नज़ारा है। माजरत मैंने म्यूज़िक बंद किया है क्योंकि इसमें एडिट करने के टाइम पे म्यूज़िक बंद करना ज़रूरी है। अगर मैं म्यूज़िक के साथ वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे तो मेरा चैनल बंद हो सकता है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, चैनल का सब्सक्राइब करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोग को वीडियोज़ दिखाता रहूँगा और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा तो आपको हर जगह का व्यू दिखाऊँगा इंशाल्लाह। मैच खत्म हो गया है और ईरान जीत गया है। जो पब्लिक आपको नज़र नहीं आ रही थी वो अब देखो नज़र आ रही है, हर जगह आपको आदमी आदमी नज़र आएगा। और मेरा ये दोस्त बेचारा पता नहीं इसको क्या हो गया है, भागता जा रहा है, इसको रखता बाथरूम बाथरूम भाई। ये इस वक्त अभी हम खड़े हैं 20 फ्लोर पे और थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं। और इधर किसी की लगता शादी वादी हो रही है, ढोल धमाके हो रहे हैं इधर, कोई शादी हो रही है क्या? अबे मेरे भाई, अबे मेरे ख्याल से ये मैच जीत गया, इसमें तो ज़्यादा ढोल धमाके हो रहे हैं ये। हाँ सही, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग। तो आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं और फाइनली आज के मैच में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कहना चाहोगे? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ रूम। और आप मजीद वीडियो के अंदर मुझे एडिट ना करें, मुझे बस जाने दें आप। ओके गुड बाय, बाय बाय, वी मीट नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। सीन चल रहा है भाई, ये हांगकांग की टीम फिलहाल हार चुकी है और उसके साथ अभी सारे घर की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग भी बस घर का सीन है। ढोल धमाके हो रहे हैं, बहुत मज़ा आया आज का मैच में, बड़ा अच्छा एक टाइम लगा हमारा। ये सारे देखो हांगकांग की टीम है, हम लोग भी जा रहे हैं, हांगकांग को सपोर्ट करते करते उसमें घुस गए हम लोग। जिसको सपोर्ट किया था वो टीम ही हार गई, कोई बात नहीं, ईरान जीत गया कोई बात नहीं, वो भी अपनी टीम है। तो फाइनली बहुत मज़ा आया मैच देखने में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। अरे वीडियो बना ले, चल गया सो से हांगकांग। अबे चुप, बोल भी इंग्लिश में रहा है। दिस वे वेयर वी आर, दिस वे दिस वे। ओके 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 भाई, ईरान जीत गया है तो इस खुशी में ये लोग सारे मिलके डांस कर रहे हैं। ये देखो जाने के टाइम पे रात के बज रहे हैं 11:30 और खुशी के मारे उन्होंने स्टेडियम के बाहर ही डांस करना शुरू कर दिया। तो मुझे अच्छा लगा था, सोचा चलो मैं भी चोट करता हूँ, दिखाता हूँ हम लोग को, मौका नहीं वरना हम लोग भी बीच में कूद जाते हैं डांस वास के लिए। अबे ढोल बजा रहा है भाई ये, देखो अबे ये स्टेडियम के अंदर इसके साथ मैंने देखी, ये देखो आप इधर फाउंटेन बना हुआ है और उसके साथ कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। यार फाइनली मैच ख़त्म हो गया है, मेरे दोस्त ने मेरे को ड्रॉप किया था पीछे, अब मैं इधर से खाना खा लिया है और जो मेरा कज़न था वो घर चले गया है, तो मैं अभी बस वॉक करके पहुंचने वाला हूं घर पे। तो यार आप लोग से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बोलो, क्योंकि यार वीडियो एडिट करने में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है और ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ आप लोग के लिए कर रहा हूँ, आप लोग को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग मेरे साथ जो कतर घूम सको। तो मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।